इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। नून लीग पर के मुल्क ने सब कुछ गिरवी कर दिया है, क्या एयरपोर्ट्स, क्या मोटरवे, सब कुछ ही रख दिया गया है और कर्ज लिया जा रहा है। अब पीटीआई भी वही कर रही है, क्या फर्क है नून लीग की मौशी पॉलिसी में और पीटीआई की मौशी पॉलिसी में? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, वेरी गुड क्वेश्चन है। मस्त है इसमें ये जो आपने मौशी पॉलिसीज का ये कहा है। पहली बात तो ये है कि ये पीटीआई जो ये खबर आई है सामने, उसका बैकग्राउंड बता दें। F9 पार्क जो है उसके बारे में स्टोरी है। सुहेल भट्टी साहब हैं, बड़े अच्छे ये 92 के रिपोर्टर हैं, वेरी गुड रिपोर्टर है मास से, जो शहर में दो चार अच्छे रिपोर्टर हैं। सुहेल भट्टी साहब इज़ वन ऑफ देम। उन्होंने स्टोरी ब्रेक की तो उस पर खैर उन्होंने शहबाज गिल साहब ने उनको यही कहा कि स्टोरी ठीक नहीं है, मतलब भट्टी साहब रिपोर्टर बड़े अच्छे हैं लेकिन स्टोरी ठीक नहीं, उनका कहना था। अच्छा। उस पर उन्होंने भट्टी साहब ने बकायदा डॉक्यूमेंट्स के साथ उनको कन्फ्रंट किया कि नहीं जनाब, स्टोरी मेरी ठीक है। अब ये तो कन्फर्म हो गया है कि स्टोरी ठीक है। स्टोरी पर अब हम तो नहीं रहा कि वाकई जनाब F9 पार्क जो है ना, ये इसको गिरवी रखा जा रहा है। अब इसकी बहुत सारे लोग दो चार रीजनिंग देंगे, वो कहें जी इसमें नई चीज़ क्या है, क्योंकि स्कूक बांड जो है, इस्लामिक स्कूक बांड जिनको कहा जाता है, दो तीन किस्म के कर्जे होते हैं। आपको पता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने ना अपने बड़े फैंसी किस्म के लफ्ज निकाले हुए हमें धोखे देने के लिए कि लोगों को कान इधर से नहीं तो इधर से पकड़ना है इन्होंने। एक ये था कि सीधा यहाँ पे बॉन्ड्स होते थे, कभी आपने सुना होगा स्कूक बांड वगैरह, उनको इसका यूरो बांड आते थे, डॉलर बांड आते थे, फलाने बांड आते थे। आम आदमी को तो कोई जेम्स बांड के अलावा तो हमें कुछ समझ नहीं आती। वो कहते थे बांड भी इसी तरह की जेम्स बांड टाइप की चीज है, चलो बड़ी खूबसूरत चीज होगी तो इससे हमें को नुकसान है। नाम में देखना कैसे कैसे फैंसी रखें, मतलब शक ही ना करे। खैर उस पे उन्होंने बैंकों से लोन लेने बाहर जाएंगे, यूरो बांड अमेरिका जाएंगे, वहां पे उसको ब्रिटेन जाएंगे, रोड शो करेंगे जी हम यहाँ पे जा रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं और हमें यूरो बांड चाहिए, फ्लोट करेंगे उस पे, आप उस पे दे परसेंटेज 8.25 जो डार साहब ने महंगे लिए, वो एक अलग कहानी है। एक ये होते हैं। अच्छा फिर हमारे रोला पड़ गया, नहीं जनाब ये देखें आप तो बड़ा गलत कर रहे हैं, ये देखें ये तो गैर इस्लामिक है, सूद दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। अब जिन हजरात को तकलीफ होती है कि सूद दे रहे हैं और अन इस्लामिक है और सूद खुदा के खिलाफ जंग है, उनको मुतमिन करने के लिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड के फ्राडियों ने एक नई टर्म निकाल दी, वो है कि न सकूक इस्लामिक बांड, जनाब हम कोई वो नहीं ले रहे, हम ऐसे करेंगे इसके अगेंस्ट आप प्लेज करवा दें, कोई प्रॉपर्टी करवा दें हम, आप इस पर मोटरवे करवा दें हमें, आप हमारे पर गिरवी, ये जैसे बैंक वगैरह करते हैं जस्ट इस्लामिक कलर देने के लिए, सर वो कर लेते हैं और साथ में कोई आप अपना कोई अपना कोई एसेट है, घर है, कार है, गाड़ी है, कोई इस तरह की चीज़ है तो वो हमारे आप उस पर उसकी वो हमारे नाम कर देंगे, वी विल ट्रीट इट एज अ सॉर्ट ऑफ इस्लामिक बांड। तो वो भी बेचारे वो खुश हो गए जो सूद को समझ रहे थे हराम है और ये नहीं होना चाहिए, वो भी मुतमिन हो गए, हुकूमत का काम भी होगा, लेकिन इसको अल्टीमेटली इस पे पैसे उनको देने पड़ते हैं। आप इसको सूद ना कहें, मार्कअप ना कहें, प्रॉफिट कह दें या और जो भी नाम दे दें, इसमें भी होते हैं, ये मुफ्त में नहीं होता है। जो लोग ये कह रहे थे इस्लामिक बॉन्ड है तो लिहाजा इस पे कोई सूद नहीं होगा, वाया भटिंडा जो से मैंने कहा ना वो फैंसी नेम करके उन्होंने कर दिया। ठीक है, अब हुआ क्या, ये काम शुरू हुआ था जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में, शौकत अजीज एंड कंपनी ने शुरू किया था और जो मौजूदा इस वक्त इनके इमरान खान साहब के सबसे बड़े करीबी बैठे हुए हैं और जो फाइनेंशियल विजर्ड्स हैं जिनका नाम है डॉक्टर वकार मसूद अहमद खान साहब एक्सीलेंसी जो है, ये उस वक्त शौकत अजीज साहब बहर से आए थे, वो ये लेके आए थे कि जनाब इस तरह के काम भी किए जा सकते हैं, बॉन्ड्स हम करें, कर्जा लेने का ये नया तरीका उन्होंने इख्तियार किया कि दुनिया भर से हम लोन लेंगे और बॉन्ड हम फ्लोट करेंगे 10-10 साल के, जिसमें सल्टन 1% दी जाती है, आप डिपेंड करते हैं 2% प्रॉफिट दें, 5 दें 8 दें, जैसे मार्केट से आपको मिल रहा हो, चलो भी हो गया। उनके दौर में ये काम शुरू हुआ, जरदारी साहब का दौर आया, इन्होंने भी किया, इनके दौर में क्यों हफीज शेख साहब आ गए थे, एक है ना हफीज शेख हो या ये हो गए, यहाँ पर शौकत अजीज साहब हैं, बस इनके इनके वो देख रहे शक्लें इनकी इनकी मुख्तलिफ हो सकती हैं, पॉलिसीज एक होती हैं, कपड़े शपड़े डिफरेंट पहन सकते हैं या बोलने में लुक को इनकी होगी, लेकिन अदरवाइज पॉलिसी और सोच वही रहती है। इन्होंने भी आके जरदारी साहब के दौर में किया, वहाँ तक भी ये लोगों को नहीं पता चला था ये बॉन्ड्स, ये गिरवी रखना फलां करना ये क्या होता है। असल जो धमाके की है वो हमारे यार जो है ना, हमारे मेहरबान वो इसहाक डार साहब के दौर में, जहाँ पर पीटीआई अब थोड़ी सी फंसती नजर आ रही है। इन्होंने जब डार साहब जब आए तो उनके दौर में ये खबरें सामने आना शुरू हुई, बल्कि मुझे इजाज़त दें तो हमारा मुझे याद नहीं रहा, मैं क्लिप निकलवाता टीम से, ये 92 के दिनों में हमने ये स्टोरी ब्रेक की थी कि इसहाक डार साहब ने जो उनके हाथ चढ़ा है ना उन्होंने गिरवी रख दिया। अच्छा पहले ये गिरवी रखते थे दीगर बिल्डिंग, जो आम आदमी जिनके साथ अपने आप को अटैच नहीं फील करता था, जिसकी अफिलिएशन नहीं होती थी, इन्होंने मोटरवे गिरवी रखे, रोले नहीं पड़े,
तीन चार सेक्शन मोटरवे गिरवी रख दिए इंटरनेशनल यूज़ लेंडर्स को। मैं तफसील बता देता हूँ कि जो सर आप उसमें बता दीजिए, हाँ। पूरी मजा में खत्म कर रहा हूँ सर उस पर। इन्होंने मोटरवे गिरवी रख दिए, कोई बड़ा रोला नहीं पड़ा। चलो जी मोटरवे पड़े, हमने कौन सा इसको उठा के कोई ले जाएगा मोटरवे को यहाँ से, जो हमारे पैसे नहीं थे मोटरवे। तो इन्होंने एयरपोर्ट गिरवी रख दिए, उस पर भी ज्यादा रोला नहीं पड़ा। ठीक है, रोला कहाँ पे पड़ा जहाँ से बड़ा सेंसिटिव इशू बना, जब इन्होंने आके इस रेडियो पाकिस्तान और पीटीवी की इमारतों को इन्होंने कहा जी ये भी गिरवी रखे। अब ये वो नेशनल सिंबल थे पाकिस्तान के लोगों के लिए, दे आर वेरी क्लोजली दे आर वेरी बट क्लोज टू द हार्ट टू द पब्लिक। लोगों को लगा यार हैं हमारा रेडियो पाकिस्तान भी गिरवी रखा जाएगा, इसकी बिल्डिंग भी रखी जाएगी, यार हमारा पीटीवी भी रखा जाएगा। यहां से रोला पड़ा, जिसपे बाद खान साहब एंड कंपनी ने उस अपोजिशन में थे, इन्होंने वो पकड़ लिया इशू कि ये क्या हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जहां से सारा एक बन गया। ये तो पूरा मुल्क गिरवी रख रहे हैं, डार साहब, नवाज शरीफ साहब एंड कंपनी, वो एक लोगों का इशू बना। खैर वो हमने रोला शोले डाले, टांटी जो भी थी हमने की, उससे हट गए वे पीछे, और बड़ा अंडर एस्टिमेट करके उन्होंने किया था इसको सारा। अब जब इमरान खान साहब है, ये इससे पहले भी कर चुके हैं, पहले दफा नहीं कर, अब मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ क्योंकि अमर साहब के पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। तो इस पर जनाब फास्ट फॉरवर्ड किए, इनकी एक समरी लेके गए जनाब वहां पे, और मजे की चीज है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री लेके गई, ये पिछले साल की बात है, एक डेढ़ साल पहले की बात है जब नए आए थे, ये डेढ़ एक दो साल होंगे, एक समरी फाइनेंस लेके गई। इन्होंने कहा जी हमने कराची एयरपोर्ट जो है ना जिनाह टर्मिनल, वो हम उसका एक सेक्शन जो है ना वो गिरवी रखना चाहते हैं। वो स्टोरी मैंने ब्रेक की थी, मुझे आज तक याद है। उस पर अगले दिन मुराद सईद और कंपनी दीगर लोगों ने रोला पा दिया, उसमें गुलाम सरवर साहब उस वक्त पीए के अफेयर वगैरह देख रहे थे सारी चीजें, इन्होंने भी रोला डाला। इन्होंने कहा एविएशन का मसला है हमारा, वो एयरपोर्ट है मुझे पता ही नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री खुद उठा के समरिया ले कि हम एयरपोर्ट गिरवी रख रहे हैं। उस पर मुराद सईद ने रोला डाला, उसने कहा खुदा का खौफ करें, हमने 100 तकरीरें की हुई हैं, इमरान खान साहब आपने की हुई हैं, मैंने तकरीरें की हुई हैं। मुराद सईद ने उसको ये ब्लॉक करवा दिया, उन्होंने कहा नहीं सर ये मत करें लोग। और अगेन आपको याद होगा अभी थोड़े से नए नए आए हुए थे ना, तो जरा थोड़ा सा जोश जज्बा कोई पार्टी कोई आइडियोलॉजी बची हुई थी उनमें, दो चार लोगों में लाइक साहब मुराद सईद। तो इमरान खान साहब भी दबाव में आ गए कि यार मुझे भी नहीं पता कि हम तो ये कहते रहे हैं कि मुल्क को गिरवी रख रहे हैं। इमरान खान साहब को पूरे कंसेप्ट का नहीं पता था, स्कूक बांड एंड ये चीजें कि आपको क्या प्लेज कराना पड़ता है। वो तो तकरीरों में जो आया उन्होंने बम मार दिया, जो जिसने बता दिया कह दिया कि मुल्क को गिरवी रख दिया बेच दिया बला बला। जब मुराद सईद ने रोला डाला कैबिनेट में, उसमें इमरान खान साहब ने उसको रोक दिया, उन्होंने कहा यार बात तो ठीक है यार, इस पर मैं दोबारा प्रेजेंट है। फिर रेट्स का कोई मसला था, रेट्स ठीक नहीं, असेसमेंट ठीक नहीं, एस्टीमेट्स गलत हैं, बला बला चीजें करके सो वक्ती तौर पर तो रोक गया, लेकिन ऐसी चीजें रुकती कैसे हैं, वो तो नहीं रुकनी थी। सो कुछ हफ्ते बाद जब रोला छोला ठंडा हो गया, हम भी ठंडे हो गए, पाकिस्तानी कौम भी ठंडी ठंडी पार्टी, उन्होंने चुपके से फिर उन्होंने समझ दी, और फिर उन्होंने वही जनाब कराची एयरपोर्ट के इमरान खान साहब एंड कंपनी ने फिर गिरवी रख दिया। सो आज फिर अब ये F9 पार्क, लास्टली बात लंबी हो गई, F9 पार्क फिर पाकिस्तानी कौम को फील हुआ कि यार ये तो प्लाट और ये तो यहाँ पे ये पार्क्स, और वो भी इन द हार्ट ऑफ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद की दो चार चीजें जानी जाती हैं, एक सबसे बड़ी चीज जो है ये फैसल मास्क है, आप कह सकते पीटीवी है, रेडियो पाकिस्तान है, एक कन्वेंशन सेंटर चले लगा दें आप साथ में सबसे बड़ी आपकी क्या है। गाइज आपने ये वीडियो देखा, ये वीडियो होता है यहाँ पर खत्म। यहाँ पर पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार रॉब ग्लासरा बात कर रहे थे पाकिस्तान की प्रॉपर्टी के बारे में। पाकिस्तान की प्रॉपर्टी जो कि बेसिकली सरकारी प्रॉपर्टी है, उन्हें धीरे धीरे कर गिरवी रखा जा रहा है पाकिस्तान को चलाने के लिए। और इसमें एक और नया मतलब प्रोडक्ट जुड़ गया है जिसका नाम था फातिमा अली जिन्ना के नाम पर इस्लामाबाद पर एक पार्क बनाया गया था बहुत पहले, जब इस्लामाबाद को मतलब सिटी को बसाया जा रहा था। तो दोस्तों इस पार्क को भी किसी विदेशी कंपनी या किसी विदेशी देश अभी इसके बारे में कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि वो चाइना है या और कोई अदर कंट्री है, उसको गिरवी रख दिया है मुल्क चलाने के लिए। इससे पहले पाकिस्तान ने एयरपोर्ट, जो विदेश में प्रॉपर्टी है पाकिस्तान की, वो हवाई जहाज, एयरपोर्ट और मोटरवे मतलब हाईवे, ये बड़ी बड़ी चीज़ें गिरवी रखती हैं। आप समझ सकते हैं किसी देश के अंदर की प्रॉपर्टी किसी बाहर के देश को गिरवी रखना, ये मतलब आप सुनने में ही अजीब सा लगता है, आप समझ जाओ अब ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। इसी को लेकर रॉब ग्लासरा डिस्कस कर रहे थे कि इमरान खान बहुत हल्ला मचाते थे जब नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट गिरवी रखा था, अब तो इमरान खान पार्क गिरवी रखने पर आ गए हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इमरान खान की भी औकात क्या, आर्मी की औकात है, आर्मी को पैसा चाहिए, वो पार्क क्या, पाकिस्तान की मस्जिदें भी किसी दिन गिरवी ना रखवा दे, ऐसा ही कुछ लग रहा है, ऐसी हालत हो सकती है पाकिस्तान की। हालांकि अभी पाकिस्तान वैसे ही गिरवी रखने की कगार पे आ गया। पाकिस्तान आपको पता है चाइना इतना इन्वेस्ट कर रहा है, पूरा कर्जा है वो, चाइना वैसे ही पाकिस्तान को, पाकिस्तान में बहुत सारे चाइनीज़ बसते जा रहे हैं और पाकिस्तान खुद ही परेशान है कि इतने सारे चाइनीज़ कहाँ से आ रहे हैं। चाइनीज़ आते हैं कुत्ते बिल्ली सुअर सब कुछ खा रहे हैं, तो पाकिस्तानी को लिए वो एक बड़ी मुसीबत, क्योंकि पाकिस्तानी तो काफिर से चढ़ते थे, मतलब काफिर जो
मुस्लिम ना हो, और ये तो काफिर भी नहीं है, ये तो कम्युनिस्ट हैं। कम्युनिस्ट तो आप समझ सकते हो किसी भी धर्म को ना फॉलो करने वाले और एक अलग ही आइडियोलॉजी रखने वाले, नास्तिक से भी ख़तरनाक। तो दोस्तों आपको क्या लगता है पाकिस्तान के साथ आगे क्या होगा? जिस तरीके के हालात हैं, गरीबी में आटा गीला चला चल रहा है पूरा, भूखे मरने की कगार पे हैं, आर्मी का बजट बढ़ता ही जा रहा है, आर्मी की शाहीन 3, ये मिसाइल कहीं, वो मिसाइल कहीं, टर्की से नया नेवी शिप कहीं, चाइना से कोई नए एयरक्राफ्ट लेने की बात चलती है, और यहाँ पर इनका पार्क गिरवी रख रहा है। तो मतलब ये किस किस मुंह से ये मतलब क्या बात करते हैं ये लोग, मुझे समझ में नहीं आता है दोस्तों। तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर सुझाव शेयर करें, और रॉब क्लासरा इस वीडियो के लिए आप ज़रूर वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों। इसी तरीके के वीडियो के लिए आपको हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है।